अभी आप जिसका एग्जॉस्ट साउंड सुन रहे हैं ये है ट्रायम्फ की हालिया लॉन्च हुई बाइक स्क्रैम्बलर 400X। इंडियन मार्केट में इसको 2 लाख लगभग 63,000 रुपए के आसपास लॉन्च किया गया है। आज इसको चलाने में पहुंचा हूं पुणे की हसीन वादियों में, जहां पर मैं आपको शेयर करने वाला हूं अपना पहला राइडिंग एक्सपीरियंस। इस बाइक के साथ मेरा क्या राइडिंग एक्सपीरियंस होगा आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं तुल यादव और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। तो इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है 195 mm है, वहीं इसकी जो सीट हाइट है 830 है, यानी ये काफ़ी ऊंची है। और मेरी जो हाइट है 5.6 है। तो अब मैं इसमें बैठ के आपको दिखाता हूं कि क्या मैं इसको मैनेज कर पा रहा हूं, मेरे पैर कहां तक पहुंचते हैं, और ये भी बताऊंगा कि पिलियन अगर पीछे बैठते हैं तो कितना ज़्यादा इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट होती है। तो अभी स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए, ये अभी तक मेरा पैर यहाँ पर है। और इसके पीछे का सस्पेंशन भी चेक कर लेते हैं। ऋषि जी आप आइए। तो इसके रियर में आपको मिल जाता है प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन जो गैस चेंज होता है। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पिलियन बैठने के बाद इसका जो वेट है वो भी काफ़ी एडजस्ट हो जाता है। अभी मुझे थोड़ा कम वजन लग रही है, 185 इसका वेट है। और ये देखिए मेरा पैर अब यहाँ तक पहुँच रहा है। अब चलाने में मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करूँगा। और आप एक बार उतरिए। अब इनको जैसे ही मैं उतारा, आप देखिए ये जो इसकी सीट हाइट है और ज़्यादा ऊपर हो जाती है। यानी अगर आपकी जो हाइट है वो 5'8" या फिर 5'7" तक होती है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, उससे ऊपर होती है तो काफ़ी बेटर है। लेकिन छोटी हाइट वालों के लिए भी उतनी दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए आपको कम से कम 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बाइक को मैं 30 किलोमीटर से अधिक चला चुका हूं और मेरा जो अनुभव रहा है वो खट्टा मीठा रहा है, उसको मैं आगे शेयर करने वाला हूं। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पूरे 3 कलर ऑप्शन में आता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये मैटे खाकी कलर है, इसके अलावा आपको 2 कलर और ऑप्शन मिल जाएंगे, वो ब्लैक और रेड है। ट्रैम के इस बाइक में कई ऐसे एक्सेसरीज स्टैंडर्ड रूप में मिलते हैं जो इस बाइक को बेहद खास बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर हैंडल बार पर दिया गया नकल गार्ड, दोनों हैंडल बार के बीच में लगा हुआ स्क्रॉल बार, वहीं फ्रंट अगर आप देखेंगे तो इसका जो हेडलैम्प है उसके ऊपर भी एक आपको गार्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप इंजन के पास देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे गार्ड एसेसरीज के तौर पे स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ इसमें ऐड ऑन कराना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर फ्रंट में विंडशील्ड या फिर अन्य चीज़ें, तो उसको आप एक्सेसरीज के तौर पर ले सकते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि ये जो बाइक है वो ड्यूल पर्पज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है स्क्रैम्बलर इसीलिए जानी जाती है। अगर आप इससे हाईवे पे क्रूज़ करना चाहते हैं वहाँ क्रूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एडवेंचर की सवारी करना चाहते हैं तो वहाँ। अब आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ कि हाईवे पे मेरा क्या एक्सपीरियंस था और मेरा एडवेंचर वाले रोडों पे, जो उबड़ खाबड़ वाली सड़कों पे है, वहाँ मेरा क्या एक्सपीरियंस था। 6-speed गियरबॉक्स से लैस इस बाइक की ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में और रियर दोनों में आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा। फ्रंट में 320 mm का फिक्स डिस्क ब्रेक, वहीं रियर में आपको 230 mm का फिक्स डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो अब सवाल उठता है कि 400cc का ये बाइक रोड प्रेजेंस के मामले में कितनी अच्छी है। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। 400cc का इसमें इंजन है, टेक्निकली बोलें तो 398.15cc का इसमें इंजन दिया गया है, और ये 40 हार्स पावर एंड 37.5 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है। तो इसका हैंडल बार वगैरह देख लेते हैं क्या कुछ इसमें मिलता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर पासिंग लाइट दी गई है, और ये है आपका लो बीम हाई बीम, और यहाँ पर जो आई बटन है इसका काम होता है, जैसे आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आपका जैसे कि ये EN ऑफ लिखा है, और आगे ऑफ रोड मोड ट्रैक्शन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और ये है इंडिकेटर का बटन, नीचे हॉर्न का है, हॉर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये इंजन किल का बटन है, यहाँ पे हैजार्ड का बटन मिल जाएगा, और नीचे आपको मिल जाएगा सेल्फ स्टार्ट का। सॉफ्ट रोड पे चलाते समय मुझे इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हुआ, इसका क्विक एक्सेलरेशन मुझे सपोर्ट किया तुरंत आगे क्रूज करने के लिए। और हिली रोड पे जैसे मैं चल रहा हूँ तो इसका टर्निंग रेडियस मुझे बार बार हेल्प कर रहा था, जहाँ पे शार्प टर्न्स मुझे मिले और जहाँ पे मुझे अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। तो मुझे मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मोर देन आई थिंक 50 किलोमीटर एबव मैंने चलाया इसे हिली रोड पर, जहाँ पे आपको पहले ही बताया कि लंबा रास्ता है, तो बहुत ही अच्छा मेरा वहाँ कॉन्फिडेंस रहा। बात करते हैं कि
मेरा जो एक्सपीरियंस ऑफ रोड में कैसा रहा तो आपको बता दूं, इसका जो टायर है MRF के टायर है, फ्रंट में इसके 19 इंच के अलॉय व्हील है, वही रियर में इसके 17 इंच के अलॉय व्हील है, और ब्लॉक पैटर्न का इसमें टायर का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर सी बात है, ब्लॉक पैटर्न का मतलब ये है कि ड्यूल पर्पज, आप ऑफ रोडिंग के लिए एडवेंचर की सवारी भी कर सकते हैं और नॉर्मल सड़कों पे भी, डेली कम्यूट के लिए भी, कहीं आप ट्रिप पे जा रहे हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। स्क्रैम्बलर एक्स में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसको सिंगल चैनल ABS कर सकते हो। आप जैसे ही इसमें क्लिक करोगे ऑफ रोड मोड, तो पीछे का जो ABS है वो फ्री हो जाता है और आप इसको ऑफ रोडिंग की तरीके से क्रूज कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है जिससे आप किसी भी रास्ते पे आसानी से अपने बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। बेहद ही खास इसका सस्पेंशन है। जैसे आप एडवेंचर वाले रोड पे जाते हैं, उबड़ खाबड़ वाली सड़कों पे चलते हैं, तो उस समय भी ये सस्पेंशन आपको काफ़ी हेल्प करता है। ऑफ रोडिंग के दौरान इसके KYB के सस्पेंशन और रियर में जो आपको मैंने बताया था गैस चेंज मोनोशॉक सस्पेंशन ने काफ़ी हेल्प की। जो फ्रंट में KYB का सस्पेंशन है वो 43 mm का है और इसका जो व्हील ट्रेवल है 150 mm का है, तो ऑफ रोडिंग के दौरान ये सस्पेंशन काफ़ी काम में आए। लुक और डिज़ाइन के मामले में आपको बाइक थोड़ा सा एडवेंचर वाली फील देगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि स्क्रैम्बलर बाइक है तो इसका जॉनर ही अलग है। उसी के तरीके से इसको बनाया गया है। हैंडल बार आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे हैंडल बार, यहाँ पे आप देखेंगे नकल गार्ड दिया गया है, तो नकल गार्ड से ही आप समझ जाएंगे कि आप जब भी ऑफ रोडिंग करेंगे उस समय आपको हेल्प करेगा। जब मैं बैठूँगा इस पर, बैठ के आपको दिखाता हूँ, ये देखें बैठने के बाद इसकी जो पॉस्चर है, मेरे बैठने का जो पॉस्चर है वो प्रॉपर तरीके से स्क्रैम्बलर फील दे रहा है, लाइक कि ना वो ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। ऑल दो कि मेरी हाइट कम है इस बाइक के अनुसार, और भी बाइक जो इनके राइवल्स में हैं उनको मैं चलाता हूँ तो मेरे पैर पहुँचते हैं, तो लुक के मामले में बेहद ही कमाल की बाइक है। स्प्लिट सीट आपको मिल जाती है और पिलियन को मैंने बैठाया था, आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया था, तो एक किस तरीके से इसका सॉकर एडजस्ट होता है। लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता है कि पीछे जो पिलियन बैठेगा, अगर उसको मैं 40-50 किलोमीटर तक कहीं मुझे लेकर जाना होगा तो कितना कंफर्टेबल फील करेगा। पीछे के साइड इसमें आपको ग्रैब रेल मिलते हैं, रियर में आपको LED टेल लैम्प मिल जाएंगे, सेम आपने जो स्पीड में देखा होगा। फ्रंट भी सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने स्पीड 400 में देखा होगा। और इसका जो ये है साइलेंसर है वो ड्यूल मफलर साइलेंसर है, जो आवाज़ इसकी जो ट्यूनिंग है काफ़ी अलग है। बहुत लोग इसको बोल रहे थे कि ये स्पीड 400 की तरह है, लेकिन पूरा अलग है, इंजन ट्यूनिंग ही अलग है। ऑल दो कि इंजन सेम है, लेकिन आप जब इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनोगे तब आप फील कर सकते हो, जब आप चलाओगे तब आप ये फील कर सकते हो। सो राइवल की बात करते हैं, और इसका जो प्राइस पॉइंट है 2,63,000 रुपये, उस प्राइस पॉइंट के लिहाज से कोई भी राइवल नहीं है। प्राइस पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो KTM 390 एडवेंचर बाइक है, उसका जो बेस मॉडल है 2,80,000 रुपये के आसपास है। वहीं इसके प्राइस पॉइंट के नीचे आते हैं तो ट्रायम्फ की ही स्पीड 400 आती है जिसकी कीमत 2,33,000 रुपये। तो कायदे से देखा जाए तो स्क्रैम्बलर मार्केट या प्राइस पॉइंट के मार्केट में इसका राइवल नहीं है। हाल ही में काफ़ी प्रीमियम बाइक का जो मार्केट है वो काफ़ी गर्म हुआ, जहाँ पर लोग कंपेयर कर रहे हैं इस बाइक को हिमालयन की जो नई बाइक आने वाली है, जिसको हिमालयन ने अभी टीज किया है, हिमालयन 452, उससे लोग कंपेयर करा रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ मिलता है उस बाइक में, फिर से कंपेयर कराएंगे। और आपके जहन में अभी आ रहा होगा कि अब इस बाइक का जो है माइलेज कितना है। कंपनी क्लेम करती है 28 की माइलेज ये बाइक देती है, लेकिन मैं इस बाइक को चलाऊँगा, अपना रियल वर्ल्ड आपको एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। ये मेरा अभी फर्स्ट इंप्रेशन था 60-70 किलोमीटर चलाने के बाद, मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें अभी आपसे शेयर करनी है कि रात को चलाते समय बाइक कैसी है, और बहुत इससे जुड़े हुए मेरे पास बहुत ढेर सारे अभी पॉइंट्स हैं जो चलाने के बाद बनेंगे, उसके लिए आपके लिए एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो कैसा लगा, आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करना न भूलें।